जी हाँ दोस्तों, हो जाइए तैयार क्योंकि खेसारी लाल यादव का अगला धमाका होने जा रहा है। जी हाँ, अगर बात करें तो उनके फैंस हमेशा उनके अगले गानों का इंतजार काफी बेचैनी से करते हैं। तो आखिरकार खेसारी लाल यादव के पांचवें बोलबम सॉन्ग को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है और आज हम बताने वाले हैं कि उनका अगला धमाका किस चैनल से होने वाला है। और साथ ही बताएंगे कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की नजदीकियां यामिनी सिंह को पसंद नहीं आई, तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप भी हिट मशीन के डाई हार्ड फैन हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि अपने हिट मशीन खेसारी लाल यादव का अगला धमाका यानी पांचवा बोलबम सॉन्ग वेव म्यूजिक से होने वाला है, जिसे काफी शानदार लोकेशन पर शूट किया गया है और ये गाना दर्शकों को भी काफी पसंद आएगा। इसके साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल के अवार्ड शो में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी एक साथ नजर आए, जहां की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। वीडियो में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों में किसी बात को लेकर के कोई अनबन है। अब ऐसे में खबरें आ रही हैं कि दोनों की नजदीकियां यामिनी सिंह को रास नहीं आई और ये भी बताया जा रहा है कि यामिनी सिंह ने खेसारी लाल यादव के इंस्टाग्राम को अनफॉलो कर दिया है। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा। वैसे आप सभी को बता दें कि लगभग एक साल से यामिनी सिंह और खेसारी लाल यादव के बैक टू बैक धमाके हुए हैं और सभी गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।